बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रमाण के तीन प्रकार हैं स्वामी विवेकानंद जी। जब हमारी दो अनुभूतियां आपस में विरोधी नहीं होती तब उसे हम प्रमाण कहते हैं। मान लो मैंने कुछ सुना, यदि वह पहले अनुभव की हुई किसी बात का खंडन करे तो मेरे भीतर उसके विरुद्ध तर्क वितर्क होने लगते हैं और मैं उस पर विश्वास नहीं करता। प्रमाण के फिर तीन प्रकार हैं, साक्षात अनुभव या प्रत्यक्ष। यह एक प्रकार का प्रमाण है। यदि हम किसी प्रकार आँख और कान के भ्रम में ना पड़े हो तो हम जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। मैं इस दुनिया को देखता हूँ, बस यह उसके अस्तित्व का पर्याप्त प्रमाण है। दूसरा है अनुमान, लक्षण से लक्ष्य वस्तु पर आना। तुमने कोई संकेत देखा और उससे तुम उस वस्तु पर आ गए जिसका कि वह संकेत है। प्रमाण का तीसरा प्रकार है आप्तवाक्य। योगियों अर्थात सत्य दृष्टा ऋषियों की प्रत्यक्ष अनुभूति। हम सभी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं, पर तुम्हें और मुझ में या मुझे उसके लिए कड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। दीर्घ काल तक विचारपूर अरुचिकर रास्ते से होकर अग्रसर होना पड़ता है, किंतु विशुद्ध सत्व योगी इन सब के पार चले गए हैं। उनके मन चक्षु के सामने भूत भविष्य वर्तमान सब एक हो गए हैं। उनके लिए वे सब मानो एक पाठ्य पुस्तक के समान है। हम लोगों को ज्ञान लाभ के लिए जिस अरुचिकर प्राणी से होकर जाना पड़ता है उसके लिए उसकी फिर और आवश्यकता नहीं रह जाती। उसका वाक्य ही प्रमाण है, क्योंकि वे अपने भीतर ही सारे ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। वे सर्वज्ञ पुरुष हैं। ऐसे व्यक्ति ही पवित्र शास्त्र ग्रंथों के प्रणेता हैं और इसलिए शास्त्र प्रमाण रूप से ग्राह्य है। यदि वर्तमान समय में ऐसे पुरुष कोई हो तो उनकी बात भी अवश्य प्रमाण रूप में ग्राह्य होगी। दूसरे दार्शनिकों ने इस आप्त के बारे में बहुत से तर्क वितर्क किए हैं। उनका प्रश्न है कि आप्त वाक्य को सत्य क्यों माना जाए। इसका उत्तर यह है कि वह उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। मान लो तुमने या मैंने कोई बात देखी, यदि वह पहले किए हुए अनुभव की विरोधी ना हो तो वह प्रमाण रूप से ग्राह्य होती है। ठीक इसी तरह उसका भी प्रमाण समझना चाहिए। इंद्रियों के भी अतीत एक ज्ञान है और जब कभी यह ज्ञान युक्ति और मनुष्य की पूर्व अनुभूति का खंडन नहीं करता तब उसे प्रमाण कहते हैं। यदि कोई पागल इस कमरे में घुस आए और कहने लगे मैं सब और देवता देख रहा हूँ तो वह प्रमाण ना कहा जाएगा। पहले तो वह ज्ञान सत्य होना चाहिए, दूसरे वह पहले के लिए किसी ज्ञान का खंडन ना करे और तीसरे वह उस मनुष्य के चरित्र बल पर आधारित है। मैंने बहुतों को यह कहते सुना है कि मनुष्य का चरित्र उतने महत्व का नहीं है जितना कि उसके शब्द वह क्या कहता है। बस उसी को पहले सुनो। अन्य विषयों के संबंध में यह बात भले ही सत्य हो पर धर्म के संबंध में तो यह संभव नहीं। एक व्यक्ति दुष्ट स्वभाव वाला होता हुआ भी ज्योतिष के बारे में कुछ आविष्कार कर सकता है, पर धर्म के बारे में बात अलग है, क्योंकि कोई भी
और पवित्र मनुष्य धर्म के यथार्थ सत्य को किसी काल में प्राप्त नहीं कर सकता। एतेव सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो मनुष्य अपने आप को आप्त कहकर ढिंढोरा पीटते हैं वह पूर्णतया निस्वार्थ और पवित्र है अथवा नहीं। दूसरे अपने उसने अतिनिंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति की है या नहीं। तीसरे वह जो कुछ कहता है वह मनुष्य जाति के किसी पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव का खंडन तो नहीं करता। आविष्कृत कोई भी नया सत्य पूर्वकालीन किसी सत्य का खंडन नहीं करता, वरन वह तो पूर्व सत्य के साथ पूरी तरह मेल खाता है। और चौथे दूसरों के लिए उस सत्य की प्राप्ति करना संभव होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य कहे कि मुझे एक दर्शन हुआ है और साथ ही यह भी बोले कि उसे मैं ही देख सकता हूँ और किसी के बस की बात नहीं, तो मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रत्यक्ष उपलब्धि करके यह देख सके कि वह सत्य है या नहीं। फिर जो व्यक्ति अपना ज्ञान बेचता फिरता है वह आप्त नहीं है। ये सब शर्तें अवश्य पूरी होना चाहिए, यही प्रमाण के लक्षण हैं।